नमस्कार। बिहार विधान परिषद में कितने निर्दलीय सदस्य हैं? वैसे तो विधान परिषद का चुनाव दलों के सिंबल पर नहीं होता, फिर भी अलग अलग माध्यमों से चुने गए सदस्यों को दलीय विधान पार्षद की मान्यता मिलती है। बिहार विधान परिषद में फिलहाल जनता दल यूनाइटेड, भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी, CPI और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सदस्य हैं। आसान तो वैसे जिंदगी में कुछ भी नहीं होता, लेकिन कहा जाता है कि विधायक बनने से ज्यादा कठिन होता है विधान पार्षद बनना, यानी कि MLA बनने से ज्यादा मुश्किल होता है MLC बनना, वो भी निर्दलीय। मनोनयन से MLC बनना हो, चाहे विधानसभा सदस्यों के कोटे से, या फिर शिक्षक, स्नातक या फिर स्थानीय निकाय कोटे से चुनाव जीत कर आना। वैसे में भी अगर कोई व्यक्ति निर्दलीय चुनाव लड़कर विधान पार्षद बन जाता है तो ये कोई साधारण बात नहीं होती। 75 सदस्यीय बिहार विधान परिषद में कुल 3 लोग ऐसे हैं जो निर्दल विधान पार्षद के तौर पर चुनकर आए हैं। आइए आज हम आपको इन तीनों ही सदस्यों से परिचित कराते हैं। देवेश चंद्र ठाकुर, जी हाँ, देवेश चंद्र ठाकुर तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से बतौर निर्दलीय प्रत्याशी जीतकर बिहार विधान परिषद में पहुंचे हैं। 66 वर्षीय देवेश चंद्र ठाकुर का जन्म सीतामढ़ी जिले में हुआ था। तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के तहत सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली और शिवहर जिला आता है। देवेश चंद्र ठाकुर 2002 से ही लगातार बिहार विधान परिषद की शोभा बढ़ा रहे हैं। देवेश चंद्र ठाकुर ने अपना राजनीतिक करियर महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस के सदस्य के तौर पर शुरू किया था। अब हम बात करते हैं दूसरे निर्दलीय सांसद रीतलाल यादव की, जो बेहद चर्चित शख्सियत का नाम है। रीतलाल यादव उर्फ रीतलाल राय, जो एक समय में राष्ट्रीय जनता दल के नेता हुआ करते थे, बाद में जब कई मामलों में इनकी संलिप्तता उजागर होने लगी तो राष्ट्रीय जनता दल ने इनसे किनारा करना शुरू कर दिया। लेकिन रीतलाल यादव भी कहां पीछे हटने वाले थे। उन्होंने जुलाई 2015 में जो बतौर निर्दलीय प्रत्याशी स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र का चुनाव लड़ा और भारी वोटों के अंतर से निर्वाचित हुए। रीतलाल यादव फिलहाल जेल में बंद है, उनका कार्यकाल 2021 में समाप्त हो जाएगा। वैसे बिहार विधान परिषद की आधिकारिक वेबसाइट पर दी गई जानकारी के हिसाब से बात करें तो फिलहाल 3 निर्दलीय विधान पार्षद सदन में हैं। इनमें एक का नाम अशोक कुमार अग्रवाल भी है। अशोक कुमार अग्रवाल कटिहार स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र से चुनकर आते हैं। बिहार विधान परिषद की वेबसाइट के मुताबिक अशोक कुमार अग्रवाल अब भारतीय जनता पार्टी के संबद्ध सदस्य हो गए हैं। धन्यवाद।